please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं हूं अभिषेक बारेट और इस वक्त आप मेरे साथ द विंडो पर हैं। विवाद एक ऐसा विषय है जो अभिनेत्री स्वरा भास्कर के साथ में बीते कई सालों से चिपक गया है। अब उन पर एक इल्ज़ाम लग रहा है, इल्ज़ाम थोड़ा जायज़ भी लगता है क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया और बयान कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की अवमानना जैसा लग रहा है लोगों को। और आप ये जानते हैं कि अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाली अभिनेत्री, यही अभिनेत्री स्वरा भास्कर, अब उनके खिलाफ जो हैं उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई शुरू करने से पहले अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की सहमति मांगी गई है। मामला सारा हम आपको समझा देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारा और जो मसाला है इस खबर में वो समझना पड़ेगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ अभिनेत्री स्वरा भास्कर चली गई। कैसे चली गई? स्वरा ने कथित तौर पर अपमानजनक और निंदनीय बयान दिए थे। स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करते हुए याचिकाकर्ता, जिस मामले में याचिकाकर्ता है उषा शेट्टी, ने 1 फरवरी को मुंबई कलेक्टिव के कार्यक्रम में दिए बयान को, मतलब स्वरा के बयान को आधार बनाया और उस बयान में स्वरा ने न्यायपालिका पर टिप्पणी की थी, जिसे याचिका में न्यायपालिका की छवि खराब करने वाला बताया गया है। फिर विवादों में आ गई है। उच्चतम न्यायालय में लगाई गई याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि स्वरा भास्कर ने ये बयान 1 फरवरी 2020 को एक पैनल में चर्चा के दौरान दिया था। ये चर्चा मुंबई कलेक्टिव की तरफ से आयोजित की गई थी। याचिका में दावा ये किया गया है कि ये बयान स्वभाव से अपमानजनक है और निंदनीय भी है। इसका उद्देश्य जो है वो अदालत को बदनाम करना है। ये संक्षिप्त प्रशंसा पाने के लिए, मतलब चीप पब्लिसिटी पाने के लिए प्रचार का एक सस्ता स्टंट है। अदालत की अवमानना के कानून 1971 की धारा 15 के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए या तो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति ज़रूरी होती है। जिस तरह से स्वरा ने न्यायालय की डिक्री यानी फैसला, या सरल शब्दों में कहें तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पहले आप जानें कि न्यायालय की अवमानना आखिर क्या होती है। अवमानना को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली है दीवानी अवमानना, जो अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 के सेक्शन 2B में आती है। इसमें वो मामले आते हैं जिसमें यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अदालत के किसी निर्णय को ना माने, भले ही वो डिक्री हो, निर्देश हो या आदेश, तो सजा दी जाती है। दूसरा जो है वो है आपराधिक अवमानना सेक्शन 2C। इसके तहत क्या होता है कि शब्दों से या मौखिक या कुछ दिखाकर कुछ किया जाता है जिसमें किसी अदालत के आदेश को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती हो या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की गई हो या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना या करने की मंशा से इसमें रुकावट डालना। सरल शब्दों में ये फैसले या अदालत की प्रतिष्ठा के खिलाफ जानबूझकर की गई अवज्ञा है। एक प्रत्यक्ष अवमानना और दूसरी है अप्रत्यक्ष अवमानना। अदालत में ही खड़े होकर यदि कोई आदेशों को मानने से इनकार करे, उनको नहीं माने, तो इसको प्रत्यक्ष अवमानना की श्रेणी में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार यदि अदालत के बाहर नारेबाजी या उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो उसे अप्रत्यक्ष अवमानना माना जाता है। अदालत की अवमानना एक गंभीर अपराध है। तो स्वरा इस वक्त इस मसले को लेकर विवादों में है और मुश्किल में भी है। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ हम फिर आपसे मुखातिब होते रहेंगे। आप तो एक काम जो हमेशा हम आपको कहकर जाते हैं, अगर आप नए हैं तो भी वो करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगली खबर तक यहीं पर डटे रहें, खबरें आपको मिलती रहेंगी। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.